हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट नंबर ठीक तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस वो टेक्निक है जिसमें हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कराने के लिए ठीक तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिस कराते हैं करंट इज़ कैरिड बाय एनाइनसाइन एंड टाइम तो ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलिस रिएक्शन तो करंट जो कौन कैरी करता है करंट जो है कैटाइन और एनाइन दोनों कैरी करता है तो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट ठीक है यानी टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कितना हिस्सा एक आयन चाहे वो केटाइन हो या के एनाइन हो उस फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट को हम उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफेरेंस नंबर या हेट्रॉफ्स नंबर कह सकते हैं ठीक है यानी करंट जो होगा वो कैरी करेगा कौन केटाइन भी कैरी करेगा और एनाइन भी कैरी करेगा तो टोटल जो करंट का कितना फ्रैक्शन एक एनाइन कैरी कर रहा है तो वो उस एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा और टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कितना हिस्सा कैटाइन कैरी कर रहा है वो कैटाइन का क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा ठीक तो ट्रांसपोर्ट नंबर को हम फिर से एक बार डिफाइन करते हैं द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट यानी टोटल करंट का जो फ्रैक्शन होगा कैरीड बाय एन आयन चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो इस कॉल्ड इट्स उस आयन का इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर ट्रांसफेरेंस नंबर और हिट्रोफ्स नंबर तो ग्रेटर द स्पीड ऑफ द एन यानी अय का जितना ज़्यादा स्पीड होगा ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट इट कैरी ठीक है जितना स्पीड अयन का ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो अयन करंट क्या करेगा कैरी करेगा और ज़्यादा अगर वो अय्स करंट कैरी करेगा तो उस आय का ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या होगा ज्यादा होगा लेटस्ट इज्यूम कि u इज द स्पीड ऑफ द कैटाइन एंड v इज द स्पीड ऑफ एनाइन ठीक है तो हमने ऑलरेडी कहा कि जितना स्पीड होगा आयन का उतना ही वो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा क्या करेगा कैरी करेगा उतना ही उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा दैट मीन्स करंट कैरी बाय द आयन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन ठीक है तो करंट कैरी बाय द कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द केटाइन विच वी आर एज्यूमिंग इस यू एंड करंट कैरीड बाई एनाइन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी विच आर वी एज्यूमिंग वी इज़ द स्पीड ऑफ द एनाइन क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड होगा आयंस का उतना ही ज्यादा वो करंट क्या करेगा कैरी करेगा तो स्पीड ऑफ द कैटाइन इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट कैरीड बाई दटाइन एंड द स्पीड ऑफ द एनाइन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट कैरीड बाई दनाइन इफ़ वी रिमूव दिस प्रपोशनैलिटी साइन अगर आप प्रपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे और उसको इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा के के इंटू न्यू यू एंड के इन टू वी ठीक द टोटल करंट द टोटल करंट कैरीड बाई द्स विल भी इक्वल टू जो टोटल करंट होगा करंट कैरीड बाई दैटाइन प्लस करंट कैरीड बाई द एनाइन ठीक तो टोटल करंट इज इक्वल टू करंट कैरीड बाय द केटाइन इजगल टू के यू एंड करंट कैरीड बाय द एनाइन इज इजल टू के वी दैट इज के यू प्लस के वी इन बोथ केसेस दिस के इज कॉन्स्टेंट तो के को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो टोटल करंट इज इजल टू के इन टू यू प्लस वी ठीक तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए केटाइन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए कैटाइन तो ट्रांसपोर्ट नंबर का डिफिनेशन क्या था ट्रांसपोर्ट नंबर का डिफिनेशन था कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट यानी टोटल करंट का कितना fraction, कितना फ्रैक्शन हिस्सा एक आयन क्या कर रहा है कैरी कर रहा है तो वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा यानी कितना टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कैटाइन कैरी कर रहा है वो कैटाइन का क्या होगा कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू जिसको हम टी प्लस से डिजिग्नेट करेंगे विच इज इक्वल टू द करंट कैरीड बाय द कैटाइन द करंट कैरीड बाय द कैटाइन डिवाइडेड बाय टोटल करंट यही आ जाएगा कि टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कितना हिस्सा कैटाइन ने क्या किया कैरी क्या? किया वही क्या हो जाएगा कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा इसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन टी नेगेटिव किसके बराबर हो जाएगा करंट कैरीड बाय बाय डिवाइडेड टोटल करंट ठीक यानी कितना टोटल करंट का कितना हिस्सा किसने कैरी किया है एनाइन ने कैरी किया है के बोथ कांस्टेंट कैंसल आउट तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ टी प्लस इज इक्वल टू तो, किसके बराबर हो जाएगा यू डिवाइडेड बाय यू प्लस वी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन टी नेगेटिव किसके बराबर आ जाएगा वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी ठीक है और अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन ये दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा यूनिटी यानी वन के बराबर आ जाएगा दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए केटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन एनाइन यानी द फ्रैक्शन ऑफ करंट टोटल करंट कैरीड बाय द केटाइन प्लस द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय द एनाइन किसके बराबर होगा वन के बराबर होगा देख सकते हो इन दोनों को आप क्लस करो यू अपॉन यू प्लस वी प्लस क्या करो वी अपॉन यू प्लस वी यू प्लस वी दोनों डिनोमिनेटर में क्या है सेम है तो हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं ऊपर क्या बचा U प्लस वी तो U प्लस वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी इज इक्वल टू वन ठीक तो ट्रांसपोर्ट नंबर हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं तो डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर दो मेथड्स हैं जिसकी वजह जिसको यूज करके हम ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं कैटाइन और एनाइन का पहला जो मेथड है वो हिट्रॉफ्स मेथड है एंड द सेकेंड मेथड इज जो हम जनरली कॉमनली यूज करते हैं वो है मूविंग बाउंड्री मेथड तो पहला मेथड क्या था हेट्रॉफ्स मेथड हेट्रॉफ्स मेथड को हम डिटेल में देखेंगे तो हेट्रोफ्स मेथड का एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप समझने से पहले देखने से पहले हम ये समझेंगे कि हेट्रोफ्स मेथड का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है जब आप थेरेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रास कर लोगे हेट्रोफ्स मेथड का फिर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे बारे में बताएं किस तरह से हेट्रोफ्स मेथड को यूज करके ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी कैटाइन या एनाइन का क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं ठीक है तो अस कंसीडर ठीक है पहले हम क्या कंसीडर करेंगे एक एन इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है जिसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं एक एनोड हो गया दूसरा केथोड हो गया एनोड को ए से डिजेगनेट किया केथोड को बी से डिजेगनेट किया और इस पूरे जो एपरेटस है उसको हमने तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया एनोड के इर्द गिर्द जो कंपार्टमेंट है उसको एनोडिक कंपार्टमेंट कहा गया और कैथोड के, के इर्द गिर्द जो कंपार्टमेंट है उसको हम कैथोडिक कंपार्टमेंट कहेंगे और इन दोनों के बीच में जो कंपार्टमेंट है वो कौन सा होगा सेंट्रल कंपार्टमेंट है ठीक है तीन कंपार्टमेंट है और हम अपने कन्वीनियंस के लिए कितने नंबर ऑफ कैटाइन कंसीडर कर रहे हैं पांच केटाइन कंसीडर कर रहे हैं एनोडिक कंपार्टमेंट में सेंट्रल में भी पांच कैटाइन है और कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी पांच केटाइन है इसी तरह कैथोडिक में भी पांच एनाइन कंसीडर किया सेंट्रल में भी पांच एनाइन है इसी तरह एनोडिक कंपार्टमेंट में भी पांच ए है अब देखिए बिफोर इलेक्ट्रोलिस द पोजिशन ऑफ द सल्यूशन रिप्रेजेंटेड एस वन इन द डाइग्राम अभी मैंने इलेक्ट्रोलिस शुरू नहीं किया है अभी हमने थ्री इस इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया तो जब इलेक्ट्रिक करंट आपने पास नहीं किया तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होंगी यानी एनोडिक कंपार्टमेंट में पाँच के टाइम पाँच एन होगा सेंट्रल में भी पांच केटाइन पांच एनाइन होगा और कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी पांच केटाइन और पांच एनाइन होगा बिल्कुल एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा अब क्या होगा नाउ सपोज अब हमने क्या किया सपोज ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल जब हमने पोटेंशियल लगाया बैटरी को ऑन किया हम ये एज्यूम कर रहे हैं टू के

टाइन अगर मूव करेगा तो कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है पे क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो कैटाइन जो है किसकी तरफ जाएगा केथोड की तरफ जाएगा कैटाइन किसकी तरफ जाएगा केथोड की तरफ जाएगा तर और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि एनोड पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे कितने केटाइंस थे पांच कैटाइन थे जिसमें से हम एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ दो कैटाइन क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो जो ये दो कैटाइन होगा यहां से मूव करके कहाँ चला जाएगा केथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ चला जाएगा क्योंकि कैटाइन के केटाइन विल मूव टुवर्ड्स दी केथोड ठीक और यहां पे जो पांच कैटाइन जो पहले से ही थे वह सच रहेंगे वन टू तो थ्री फोर फाइव पांच कैटाइन जो थे एस सच रहेंगे और पांच एनाइन भी एस सच रहेंगे क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ कैटाइन मूव कर रहा है तो कैटाइन मूव करेगा तो कहां से कहां करेगा एनोडिक कम्पार्टमेंट से किसकी तरफ कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ यानी कैथोड की तरफ ये जो कैटाइन है ऑलरेडी कैथोड के, के पास है अब जो एनोड वाले जो पॉजिटिव दो कैटाइन होंगे वो किसकी तरफ कैथोड की तरफ, तरफ मूव करेंगे और एक चीज अब यहां ऑब्जर्व कर सकते हो दो केटाइन के, के मूव करने से एनोडिक कंपार्टमेंट में दो एक्सेस एनाइन है दो क्या है दो एनाइन बच गए एक्सेस जो अनपेड एन एनाइन बच गए इसी तरह दो केटाइन के क्या करने से माइग्रेट करने से का कंपार्टमेंट में दो केटाइन जो है अनपेड है एक्सेस है ठीक है तो हम देखते हैं देयर विल भी टू अनपेड केटाइन लेफ्ट इन दैोडिक कम्पार्टमेंट यानी कैथोडिक कम्पार्टमेंट में कितना केटाइन बच गया दो केटाइन बच गया देखिये कैथोडिक कम्पार्टमेंट में दो एक्सेस अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए केटाइन बच गया इसी तरह एन टू अनपेड एनाइंस इन द एनाडिक कम्पार्टमेंट इसी तरह एनोडिक कम्पार्टमेंट में भी क्या बच गया दो एक्सेस एनाइन बच गया ठीक एस अब क्या होगा देखो एस अनपेर्ड एन्स डिस्चार्ज एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो अनपेयर्ड क्या होंगे अनपेयर्ड जो कैटाइन या एनाइन होगा वो इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा डिस्चार्ज होगा यानी ये एनाइन्स इस एनोड पे डिस्चार्ज होगा और ये कैटाइन के, के थोड़ पे डिस्चार्ज होगा डिस्चार्ज का मतलब है इसका चार्ज खत्म हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा डिस्चार्ज कैसे होगा टू एनाइन एनोड पे डिस्चार्ज होगा टू कैटाइन के थोड पे डिस्चार्ज होगा डिस्चार्ज मीन्स चार्ज खत्म होगा कैसे ये ए जो है एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने करके न्यूट्रल शिस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कैटाइन जो है कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो डिस्चार्ज होकर न्यूट्रल हो जाएगा और ये एनाइन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा अब देखिए ये जो सेकेंड सिनोरियो था फर्स्ट सिनोरियो में तो जब कोई भी क्या हुआ बिफोर इलेक्ट्रोलिस है ये वाला सीनोरियो क्या है बिफोर एलेक्ट्रोलिस यानी अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया सेकंड जो है सीनोरियो केटाइन मूव जब सिर्फ दो कैटाइन माइग्रेट कर रहा था तो दो कैटाइन यहां से माइग्रेट किया जिसकी वजह से देखिए एनोड पे भी दो अनपेड क्या है अनपेड एनाइन है और कैथोड पे भी दो अनपेड क्या है कैटाइन है तो कैथोड पे अगर दो कैटाइन डिस्चार्ज हो रहा है तो एनोड पे दो एनाइन क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है अभी नाउ सपोज दैट इफ टू कैटाइन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड टू एनाइन मूव्स टुवर्ड्स दी एनोड अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि दो केटाइन कैटाइन जो है किसकी तरफ मूव कर रहा है दो केटाइन के थोड़ की तरफ मूव कर रहा है और दो एनाइन किसकी किस की तरफ मूव कर रहा है दो एनाइन सेम टाइम एनोड की तरफ मूव कर रहा है तो जो थर्ड जो हमारा क्या है डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा टू केटाइन माइक मूव टुवर्ड्स के थर्ड तो यहाँ पे कितने केटाइंस थे पांच थे, जिसमें से दो केटाइन कहाँ माइग्रेट कर गए दो केटाइन कहाँ माइग्रेट कर गए केथोड की के तरफ, और यहां पे कितने, एक दो चार पांच थे ठीक अब देखिए यहां पे देखिए कितने एन आइन एक दो तीन चार पांच एन आईन है, है। ठीक देखिए पहले पांच एन आइन था अब क्या होगा अब यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे कितने फोर तो तीन बचा दो माइग्रेट किया यहाँ केटाइन पाँच ऑलरेडी था एक दो तीन चार पाँच दो जो है कहाँ से एनोडिक कंपार्टमेंट से केथोड की तरफ आ गए ठीक यहाँ पे अब सिर्फ दो कैटाइन मूव नहीं करेगा दो एनाइन भी मूव करेंगे तो टोटल यहाँ पे पांच एनाइन थे जिसमें से अब तीन बचेगा दो माइग्रेट कर जाएगा अब देखिए यहाँ पे तीन केटाइन है एनोडिक कंपार्टमेंट में उसको क्या करेगा पेयर में तीन एनाइन है तो एक्सेस कितने एनाइन हो गए एनोडिक कंपार्टमेंट में एक्सेस चार क्या रह गए एनाइन रह गए इसी तरह कैथोडिक कंपार्टमेंट में एक्सेस देखो एक दो तीन एनाइन के लिए तीन क्या हो गया केटाइन तो कितने एक्सेस केटाइन है चार एक्सेस केटाइन है देख सकते हैं आप अगर डायग्राम थ्री है नाउ फोर केटाइन एंड एन फोर ए नाइन क्या रहे अनपेड रहे तो एनोड पे चार क्या हो जाएगा एनोड पे चार ए नाइन डिस्चार्ज होगा और केथोड पे चार केटाइन क्या होंगे डिस्चार्ज होंगे जब टू केटाइन एंड टू ए अगर मूव करता है तो कैथोड कैथोड पे चार केटाइन डिस्चार्ज हो जाते हैं और एनोड पे क्या चार एनाइन क्या हो जाते हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं अब सिनोरियो नंबर फोर देखते हैं फाइनली इफ केटाइन एंड एन एनाइन मूव्स एट डिफरेंट वेलोसिटीज अब क्या था सेम था यहाँ पे क्या था दो कैटाइन मूव कर रहे थे और दो एनाइन मूव कर रहे थे तो दोनों केटाइन और एनाइन का जो वेलोसिटी था स्पीड था या मोबिलिटी था वो सेम था दो कैटाइन अगर यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो एनाइन दो एनाइन जो है के थोड़े से एनोड की तरफ जा रहे थे अब हम सपोज करते हैं कि कैटाइन और एन का जो विलासिटी है वो डिफरेंट है डिफरेंट क्या है कि दो कैटाइन जो है एनोडिक कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर, कर, कर रहे हैं की की तरफ तरफ दो मूव कर रहे हैं और सपोज थ्री एनाइन जो है किसकी तरफ मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं अब देखिए यहाँ टू केटाइन मूव कर रहे हैं तो एक दो तीन ठीक तो यहां कितने टोटल पांच केटाइन थे जिसमें से दो यहां पे माइग्रेट हो गया ठीक अब कितने एनाइन माइग्रेट हो रहा है यहाँ पे पांच थे पांच में से अब दो बचा कितने माइग्रेट हो रहा है एक दो तीन तीन माइग्रेट हो रहा है ठीक अब देखिए एनाइन तो माइग्रेट होने से रहा एक दो तीन चार पांच जो पहले थे अब यहाँ से कैटाइन तो माइग्रेट नहीं होगा एक दो तीन चार पांच ठीक है अब देखिए पेड एक दो हैं दो को पैट हो गया तो, तो टोटल जो है यहाँ पे केथोड पे कितने के टाइम डिस्चार्ज हो रहे हैं कितने के टाइम के टाइम डिस्चार्ज हो रहे हैं पांच के टाइम डिस्चार्ज हो रहे हैं दो के टाइम का दो एन आइन के साथ पैर हो गया तो एक के टाइम, दो के टाइम, तीन के टाइम, चार के टाइम, पांच के जो है केथोड पे डिस्चार्ज होगा इसी तरह वन टू थ्री वन टू थ्री तीन पैर हो गए तो कितने एन बचते हैं देखो जो अनपेड हैं वन टू थ्री फोर फाइव यानी फाइव जो एनाइन होगा वो एनोड पे क्या होगा एनोड पे डिस्चार्ज होगा अगर मोबिलिटी यानी स्पीड वेलोसिटी कैटाइन और एनाइन का अलग भी है तो ठीक है दो कैटाइन और दो एनाइन अगर माइग्रेट हो रहा था तो चार एनाइन डिस्चार्ज हो रहे थे एनोड पे चार केटाइन के, के थोट पे डिस्चार्ज हो रहा था अगर सिर्फ दो केटाइन अगर माइग्रेट हो रहा था तो के थोड पे दो केटाइन और एनोड पे दो एनाइन क्या हो रहे थे डिस्चार्ज हो रहे थे अब देखिए वेलोसिटी डिफरेंट है दो कैटाइन माइग्रेट कर रहा है और तीन एनाइन माइग्रेट कर रहा है टोटल कितने आयंस माइग्रेट कर रहे हैं पाँच तो देखिए एनोड पे पांच एनाइन डिस्चार्ज हो रहा है और केथोड पे पांच केटाइन जो है क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है इन दिस केस एंड एनाइन दैट इज सेम नंबर विल डिस्चार्ज एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ठीक है जिसको हम डिजिगनेट कर रहे हैं फोर से ठीक तो देखिए पहला का के केस बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस सिमेट्रिकल हो गया ओनली टू केटाइन टू केटाइन अगर मूव कर जाएगा के की तरफ तो एनोड पे दो एनाइन डिस्चार्ज होगा पे के पे पर दो केटाइन डिस्चार्ज होगा अगर दो केटाइन और दो एनाइन अगर मूव कर रहे हैं दो केटाइन और दो एनाइन अगर मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एनोड पे चार एन डिस्चार्ज होगा और के थर्ड पर चार डिस्चार्ज होगा और अगर स्पीड डिफरेंट है दो कैटाइन और थ्री एनाइन अगर क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तो फिर से केथोड पे पांच केटाइन के, के पे डिस्चार्ज होगा और पांच एनाइन एनोड पे क्या होगा डिस्चार्ज होगा दस द नंबर ऑफ आयस डिस्चार्ज एट ईच इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ स्पीड ऑफ द टू आयस यानी कितने नंबर ऑफ़ आयस डिस्चार्ज होंगे इलेक्ट्रोड पे वो डिपेंड कर रहा है स्पीड और सम ऑफ स्पीड सम ऑफ़ दी स्पीड ऑफ़ द टू एंस दो दोनों आयस की स्पीड के सम पे डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ अंस क्या होंगे डिस्चार्ज होंगे देखिए ना सम ऑफ स्पीड यहाँ पे दो है तो दो दो डिस्चार्ज हो रहा है सम ऑफ स्पीड यहाँ पे चार है तो चार चार डिस्चार्ज हो रहा है सम ऑफ स्पीड यहाँ पे पाँच है तो पांच पांच क्या हो रहा है आयोन्स जो है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है यही सेम चीज फिगर टू में दो कैटाइन मूव कर रहे थे गिवन टाइम में तो द नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज एट ईच इलेक्ट्रोड भी क्या था टू था और लास्ट केस में दो कैटाइन और थ्री एनाइन मूव कर रहे थे केटाइन और एन का स्पीड डिफरेंट था गिवन टाइम में और जो नंबर ऑफ आय डिस्चार्ज हो रहे थे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे वो कितना था पांच था ठीक है इसकी वजह से इस बेसिस पे जो हमने अभी थेरेटिकली देखा तो किस में हेट्रॉफ थेटिकल डिवाइस में हम ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी या स्पीड ऑफ द केटाइन स्पीड ऑफ द केटाइन किस पे डिपेंड करेगा फॉल ऑफ कंसंट्रेशन स्पीड ऑफ द केटाइन या मोबिलिटी ऑफ द केटाइन डिपेंड्स अपॉन क्या जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन क्या हो रहा है कम हो रहा है तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड फॉल कितना स्पीड होगा कैटाइन का जितना कैटाइन मूव कर रहा है उतना ही कैटाइन का कंसंट्रेशन एनोड पे क्या हो रहा है कम हो रहा है देखो दो कैटाइन यहां से मूव कर रहा था किसकी तरफ कैथोड की तरफ यहां दो कैटाइन क्या हो गया कम हो गया यहाँ से कितने ही? फिर से दो कैटाइन मूव कर रहे थे दो कैटाइन कम हो गया दो कैटाइन मूव कर रहे थे दो कैटाइन क्या हो गया कम हो गया तो मोबिलिटी या स्पीड ऑफ दी केटाइन कितने केटाइन गिवन टाइम में क्या कर रहा है मूव कर रहा है वो किसके बराबर होगा जितना केटाइन मूव करेगा एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोड की तरफ उतना ही एनोड पे कंसनट्रेशन ऑफ दी कैटाइन क्या होगा कम होगा और मोबिलिटी ऑफ एनाइन यानी जितना एनाइन जो है जितना एनाइन जो है मूव करेगा कहां से कहा केथोडिक कंपार्टमेंट से एनोड की तरफ उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इन केथोडिक कंपार्टमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन अराउंड दी केथोड क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है और हमें पता है हमने अभी एज्यूम किया था प्रीवियसली कि जो स्पीड ऑफ द केटाइन यू के बराबर था और स्पीड ऑफ द एनाइन किसके बराबर था वी के बराबर तो यू डिवाइडेड बाय वी किसके बराबर हो जाएगा फॉल ऑफ कंसंट्रेशन स्पीड ऑफ द केटाइन किसके बराबर होगा जितना कंसंट्रेशन कम होगा अराउंड एनोड क्योंकि कैथोड जो कैटाइन है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा कैटाइन जो है एनोडिक कंपार्टमेंट से किसकी तरफ मूव करेगा कैथोड की तरफ और एनोड पे कंसंट्रेशन ऑफ द कैटाइन कम हो जाएगा डिवाइडेड बाय फॉल ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड क्या हो जाएगा कैथोड क्योंकि जो ए होगा वो केथोडिक कंपार्टमेंट से एनोड की तरफ मूव करेगा अब एडिंग वन टू बोथ साइड्स यानी बोथ साइड में अगर हम इन बोथ साइड्स में वन को क्या करें ऐड करें वन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस इस साइड में अगर वन ऐड करेंगे फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइडेड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड केथोड इक्वल टू इस साइड भी अगर करें तो वन प्लस यू अपॉन वी ठीक है तो हम ये यह देखो यहां वन है तो एल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर हम क्या ले सकते हैं कॉमन फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड क्या लेंगे कैथोड

फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड के थोड प्लस फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड एरो फॉल इन कंसंट्रेशन अराड इन दोनों का क्या ले रहे हैं ये इसको हम उल्टा कर रहे हैं यू प्लस वी डिडेड बाई वी को उल्टा कर रहे हैं यानी ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा रिस्पोकल लेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड डिवाइडेड बाय फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड के थोड प्लस फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड एरोउट किसके बराबर होगा टोटल फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड किसके कैथोड एन एनोडोड और एनोड को मिला के कितना कंसंट्रेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है इज इग्वल टू वी अपॉन यू प्लस यू प्लस वी हमें ऑलरेडी पता है कि द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन एनाइन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन एनाइन जिसको हमने कैसे डिफाइन किया था द फ्रैक्शन ऑफ करंट टोटल करंट कैरिड बाई दस के बराबर था स्पीड ऑफ दी एनाइन डिवाइडेड बाय टोटल करंट जो कि किसके बराबर था स्पीड ऑफ दटाइन प्लस स्पीड ऑफ दी एनाइन तो यहाँ पे वी अपॉन यू प्लस वी प्लस यू के जगह हम क्या ले सकते हैं टी माइनस जो डेजिग्नेट करता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन देर फोर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दाइन इज ईगल टू फॉल इन कन्सनट्रेशन अराउंड एनोट यानी एनोट के इर्द गिर्द कितना कंसनट्रेशन क्या हो रहा है कम हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल कन्सनट्रेन कितना कम हो रहा है केटाइन के इर्द केथोड के इर्द -गि, के के गिर्द और इनोट के इर्द गिर्द तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम हम ये मेजर कर सकें हम ये डिटरमाइन कर सकें कि केथोड के केथोड के, के पर कितना कंसनट्रेसन कम हो रहा है ठीक है और पूरे केथोड और एनोड को मिला के कितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है इन दोनों का अगर एक दूसरे के साथ आप डिवाइड करोगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन आ जाएगा इसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दिन किसके किसके बराबर आएगा फॉल इन कंसंट्रेशन फॉल इन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन यानी कितना कंसनट्रेशन कम हो रहा है अराउंड कहाँ पे अराउंड एनोड ठीक है डिवाइडेड बाई किसके बराबर टोटल फॉल इन कंसेंट्रेशन यानी टोटल कितना कंसंट्रेशन गिर, गिर रहा है या कम हो रहा है अराउंड बोथ कैथोड एंड एनोड या हम ये वाला फार्मूला नहीं नहीं लगाएगा भी तो चल जाएगा क्यों क्योंकि अगर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ़ द एनाइन अगर आपको पता चल गया तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ़ द केटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ़ एनाइन किसके बराबर होता है वन के बराबर और इफ़ यू नो द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनाइन आप आसानी से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ़ द केटाइन क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं ये हो गया हमारा थोरीटिकल जो कॉन्सेप्ट था बिहाइंड हाइट्रोफ्स मेथड टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको यूज़ करके हम ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं देखिए ये हमारा कैथोडिक क्या हो गया कंपार्टमेंट हो गया ये थोड़े कंपार्टमेंट विच इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट जो ये यू, यू शेप्ड है सेंट्रल कंपार्टमेंट यू शे, यू शेप ट्यूब है और नीचे जो है ये स्टॉप कॉक लगा हुआ है जिससे हम ये इलेक्ट्रोलिस खत्म होने के बाद इन सब को बाहर क्या करेंगे इन सब को यहाँ से पोर डाउन करेंगे नीचे कलेक्ट करेंगे और कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे कि इस कैथोडिक कंपार्टमेंट कैथोड के इर्द गिर्द कितना कंसंट्रेशन कम हुआ है और एनोड के गिर्द कितना कंसंट्रेशन कम हुआ है या सेंट्रल कंपार्टमेंट में कितना कंसंट्रेशन कम हुआ है जी सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले और करने के बाद कंसन्ट्रेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन क्या रहता है सेम रहता है दिस इज अवर कैथोड कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट एनोड एनोडिक पे इलेक्ट्रोड्स हमने डिप किया हुआ है बोध जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं या ये प्लेटेनियम का हम ले सकते हैं या हम सिल्वर इलेक्ट्रोड ले सकते हैं और इलेक्ट्रोड को जिस सोल्यूशन में हमने डिप्ट किया है वो सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है यह हमारा की है जिससे सर्किट पूरा होगा और इस पूरे हमारे सेटअप में करंट जो है क्या हो जाएगा पास हो जाएगा मिली एमीटर है जो करंट को क्या करेगा करंट को मेजर करेगा ठीक तो बिफोर इलेक्ट्रोलिस ठीक है बिफोर एलेक्ट्रोलिस कंसंट्रेशन ऑफ एलेक्ट्रोलाइट इस फाउंड बाई ट विथ स्यूटेबल रियजन यानि एलेक्ट्रोलिस शुरू करने से पहले जो इन अलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द जो सिल्वर नाइट्रेट का जो सल्यूशन है इसका हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेते हैं इसको टाइट्रेट करके और टाइट्रेशन आपको बखूबी मालूम है ठीक एक करंट फिर उसके बाद इन दोनों का कंसंट्रेशन आ, हमने डिटरमाइन कर लिया हम यहाँ से करंट पास करते हैं करंट अप्रॉक्सीमेटली टेन या ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी मिली एम्पेयर करंट क्या करते हैं पास करते हैं कुछ तकरीबन दो घंटे के लिए ठीक है ठीक है ताकि इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द Appreciable अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयस क्या हो जाए चेंज हो जाए ठीक फिर उसके बाद हम स्टॉप कर लेंगे स्टॉप करने के बाद एनोडिक कंपार्टमेंट से ये सिल्वर नाइट्रेट का जो सल्यूशन था इसको अलग क्या कर लेंगे कलेक्ट कर लेंगे और कैथोडिक की जो कैथोडिक से अलग इसको कलेक्ट कर लिया एनोडिक से हम इसको अलग से क्या कर लेते हैं इस सिल्वर नाइट्रेट को अलग से क्या कर लेते हैं कलेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले इनिशियल जो कंसंट्रेशन था सिल्वर नाइट्रेट का वो हमें पता था ठीक है हमने डिटरमाइन किया था अब इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हम क्या करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का क्या करेंगे कैनोडिक कंपाउंडमेंट वाला सोल्यूशन लेंगे उसको टाइट्रेट करेंगे विथ स्टैंडर्ड सल्यूशन ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट जो यहाँ से हमने सल्यूशन कलेक्ट किया है और हम उसका कंसनट्रेशन डिटरमाइन करेंगे ठीक है और यहाँ पे कैसे जो क्लोरी है कॉपर क्लोरी है इसमें कॉपर भी डिपॉजिट हो जाता है और उसका हम निकालते हैं कि कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है ठीक है तो सिल्वर का पहले का कंसंट्रेशन ए पॉजिटिव का पहले का कंसंट्रेशन और ए पॉजिटिव का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद का जो कंसंट्रेशन होगा उसको यूज़ करके हम सिल्वर का ए जी टू ए पॉजिटिव यानी केटाइन का क्या निकालते हैं कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं तो ए पॉजिटिव यानी केटाइन का जो क्या होगा ट्रांसपोर्ट नंबर होगा वो किसके बराबर होगा फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड दी इनोट यानि अनोट पे कितना कंसनट्रेशन किस का सिल्वर का कम हुआ है डिवाइडिड बाई कितना कॉपर जो है इस कलोरी मीटर में क्या हुआ है डिपॉजिट हुआ है तो यहाँ से हम किस का इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से सिल्वर ए पॉजिटिव का क्या निकालते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं और अगर अगर आपको ए पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर पता है तो आप आसानी से एनओ थ्री नेगेटिव यानी नाइट्राइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक यह था हेट्रॉफ्स मेथड ठीक सेकंड जो मेथड है जिससे हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं कैटाइन और एन का वो मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड है क्या मूविंग बाउंड्री मेथड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ये मेथड बेस्ड है ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करते हैं किसका माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स यानी माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये मेथड किस पे बेस्ड मेथड इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आयस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं यहाँ हमने क्या लिया कंडक्टिविटी सेल लिया हुआ है तो कंडक्टिविटी सेल इस मेथड में जो है उसमें क्या है? एक वर्टिकल ट्यूब है एक क्या है वर्टिकल ट्यूब है जिसमें हमने क्या फिल किया हुआ है कैटमियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लिया हुआ है ठीक है दो सल्यूशन से हमने फिल किया हुआ है एच को हम प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं किसको को एच सी एल यहाँ पर जो है उसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि एच सी एल में से हम एच पॉजिटिव का यानी केटाइन का प्रोटॉन का हम क्या निकालेंगे ट्रांसफोर नंबर निकालेंगे इसी तरह कैडमियम क्लोराइड सी डी सी एल टू को हम क्या कहते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो हमें इनेबल कराएगा फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री जिसकी वजह से यहाँ पे ये देखो एक बाउंड्री जो है हमें दिखेगा बिटवीन द कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्यूशन ठीक है यानी ये एक एनेबल क्या है इनेबल करता है किसको बाउंड्री फॉर्मेशन को बिटवीन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो कंसंट्रेशन ऑफ द एच और सी डी सी एल टू यानी क्रोमियम क्लोराइड को इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं यानी कैडमियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाए फ्लोट कर जाए किसके ऊपर कैडमियम क्लोराइड सल्यूशन के ऊपर यानी कैडमियम क्लोराइड सल्यूशन के ऊपर कौन सा सोल्यूशन हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन हो इसी तरह से इस तरह से हम इस एच सी एल और सी डी सी एल टू का कंसेंट्रेशन को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं और इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर क्या होगा बाउंड्री फॉर्मेशन होगा जो कि ए है जिसको हमने किस से डिजिग्नेट किया है ए से डिजिग्नेट किया है और ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट होगा जो हमें बाउंड्री इंडिकेट करेगा उसको मस्ट फुलफिल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट यानी ये दो रिक्वायरमेंट इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट को फुलफिल करना चाहिए पहला जो कंडीशन है द एनाइन ऑफ द इंडिकेटर एंड द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी सेम यानी इस केस में हमने प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया एस सी एल एच पॉजिटिव का हम क्या निकालने चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट नंबर तो जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट है और जो क्या इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है इन दोनों का जो एनाइन है एनाइन जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए और दूसरा कंडीशन जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट को फुलफिल करना चाहिए ठीक है वो ये है कि द स्पीड ऑफ द इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट द स्पीड ऑफ द केटाइन ऑफ द इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट यानी इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन का कैटाइन कौन सा है कैडमियम टू पॉजिटिव का जो स्पीड है वो लेस होना चाहिए कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ द केटाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या है एच पॉजिटिव है देखो पहला कंडीशन था कि दोनों में जो है एनाइन सेम होना चाहिए एनाइन सेम है दोनों के केस में क्लोरीन है दूसरा कंडीशन ये है कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन का स्पीड ठीक है प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन के, के स्पीड से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए और कैटमियम क्लोराइड जो है इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है ठीक है ये तो हो गया बिफोर पासिंग एनी करंट बिफोर पासिंग एनी करंट ये जो बाउंड्री है वो ए पोजीशन पे है ठीक है जब वेन ए स्मॉल करंट इस पास अपने यहाँ पे की था की को यहाँ से कनेक्ट किया बैटरी से हमने क्या पास किया करंट पास किया एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक बार देख लीजिए ऊपर के थोड है जिसमें हमने प्ले, प्ले, प्लेटेनियम इलेक्ट्रोड रखा हुआ है नीचे कैडमियम का इलेक्ट्रोड है जो कि एनोट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ठीक है ये एक ट्यूब है बैटरी के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ और ये क्या है कैलोरी कैलोरी मीटर है मीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें इस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम या प्रोड्यूस्ड बताएगा ठीक है कैलोमीटर कैलोमीटर ठीक तो वेन ए स्मॉल करंट इज पास जब एक हम स्मॉल करंट पास करेंगे क्लोराइड आयन मूव्स टुवर्ड्स एनोड देखो एनोड पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज तो HCL में से या CL किस की तरफ की तरफ एनोड की मूव करेगा हाइड्रोजन आयन फॉलोड बाई द कैडमियम आयन यानी जो हाइड्रोजन आयन होगा उसके पीछे पीछे कैडमियम आयन क्योंकि हमने कहा कि हाइड्रोजन आयन का जो स्पीड uh, होगा वो ज्यादा होना चाहिए देन कैडमियम आयन तो पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन उसके पीछे पीछे कैडमियम आयन किसकी तरफ मूव करेगा के थोड के तरफ जिस पे क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है एंड द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू सोल्यूशन दो सोल्यूशन को जो सेपरेट कर रहा था जो बाउंड्री था वो ऊपर की तरफ क्या करेगा मूव करेगा जो ये एरो डिजिग्नेट कर रहा है देखिए यहां से क्या होगा सी एल सारा सी एल जो है नीचे की तरफ क्या करेगा मूव करेगा कैडमियम की तरफ और सारा जो क्या होगा एच जो होगा एच पॉजिटिव और सी डी टू पॉजिटिव के थोड की तरफ मूव करेगा जिसकी वजह से ये बाउंड्री भी क्या करेगा मूव करेगा ये जो बाउंड्री पहले ए पोजिशन पे था अब बी पोजिशन पे चला जाएगा लेट द बाउंड्री मूव्स थ्रू डिस्टेंस एल सेंटी मीटर चलो हम ये एज्यूम कर लेते हैं बाउंड्री अभी ए से बी के तरफ यहाँ से यहाँ क्या किया मूव किया तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या है कितना डिस्टेंस इसने मूव किया है लेट इट बी एल सेंटी मीटर ठीक है देन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट हैज मूव्ड यानी कितना वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड मूव किया है कहां से कहां ए से बी की तरह ए से बी तक वो किसके बराबर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इन टू द लेंथ कितना लेंथ है यहां ए से बी तक तो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट हैज़ मूव्ड इज इक्वल टू एल इंटू ए सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ए स्क्वायर विल बी द ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ़ द ट्यूब यानी ट्यूब का जो ये इस ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो किसके बराबर है ए ए के बराबर है एज्यूम कर लिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा एल इन ए सेंटीमीटर क्यूब ठीक है लेट सी इज द कंसंट्रेशन यानी हम ये रिज्यूम कर लेते हैं सी कंसंट्रेशन है किसका एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर यानी किस में ग्राम इक्वलेंट में ग्राम इक्वेलेंट किसके बराबर होगा इक्वेलन वेट के बराबर होगा और इक्वेलन वेट हमें पता है किसके बराबर होता है इक्वेलन वेट फॉर एन एसिड किसके बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी लेकिन एच के केस में एसिडिटी जो होता है वो वन होता है तो वन एसिडिटी अगर वन होगा तो मोलिकुलर वेट और इक्वेलन वेट बराबर होगा देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन माइग्रेटेड माइग्रेटिड टूअर्ड के थोड इजल टू डिस्टेंस हमने एल मान लिया जितना ये लिक्विड मूव कर रहा है बाउंड्री मूव कर रहा है वॉल्यूम जो होगा वो एल ए सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा अगर हम एसिड का एस का जो कंसंट्रेशन है अगर हम सी मान लें सी ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर मान लें तो कितना ग्राम इक्वेलेंट कौन मूव किया है एच पॉजिटिव आयन मूव किया है या माइग्रेट किया है किसकी तरफ केथोड की तरफ वो किसके बराबर होगा सी डिवाइडेड बाय थाउजेंड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय थाउजेंड इनटू लेंथ इन ए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकिन ईच यानी एक जो ये इतना ग्राम इक्वलेंट है ना ग्राम इक्वलेंट जो है किसके बराबर होता है एक फेराडे के बराबर होता है वन फेराडे किससे कहते हैं कि वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा उतना चार्ज कूलम चार्ज होगा उसको क्या कहते हैं वन फेराडे कहते हैं यानी वन मोल ऑफ किस पे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है उसको हम किसके बराबर होता है वन फेराडे तो ईच ग्राम इक्वेलेंट किसके बराबर होता है वन फेराडे देयर फोर जो कितना सल्यूश एच पॉजिटिव आयन माइग्रेट कर रहे थे एल ए सी एल ए सी एन लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय थाउजेंड इतना ग्राम इक्वेलेंट किसका हाइड्रोजन आयन का क्या कर रहा था माइग्रेट कर रहा था कहाँ किस की तरफ की तरफ की वो किसके बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू इतना क्योंकि ग्राम इक्वेलेंट किसके बराबर है फेराडे तो कितना किसके बराबर हो जाएगा L इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई था ग्राम इक्वेलेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं फेराडे लिख सकते हैं लेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस सब में जब इतना जो ये बाउंड्री मूव हुआ है उसमें हम ये सेम टाइम में जितना ये बाउंड्री मूव हुआ है उसमें हम ये सपोज कर लेते हैं कि टोटल जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हुआ है पूरे इस सेटअप में जो हम किस में मेजर करेंगे कॉपर क्लोमीटर में कॉपर क्लोमीटर में हम जो मेजर कर रहे हैं कॉपर क्लोमीटर में हम क्या मेजर कर रहे हैं कि इस पूरे क्या किस बाउंड्री मूव करने के प्रोसेस में टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ उसको हम लेस सपोज कर लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ क्यू क्यू फेराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ पास हुआ ठीक है तो देर फोर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच प्लस आयन यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच प्लस आयन क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट यानी टोटल करंट कितना पास हुआ है ठीक है कन, वो कितना है क्यू फेराडे ठीक है उसका कितना फ्रैक्शन किसने कैरी कंडक्ट किया है या कैरी किया है एच पॉजिटिव आयन ने तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन इक्वल टू किसके बराबर होगा करंट कैरीड बाय द एच पॉजिटिव आयन्स डिवाइडेड बाय टोटल जो करंट इस सेटअप में कैरी हुआ है तो करंट कैरी बाय द एच पॉजिटिव आयन किसके बराबर है एल इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई था फेराडे डिवाइडेड बाय टोटल करंट किसके बराबर है क्यू फेराडे फेराडे फराइडे कैंसिल आउट हो गया तो ये किसके बराबर जो है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एच पॉजिटिव आयन किसके बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू कंसनट्रेशन डिवाइड बाई थाउजेंड इंटू क्यू टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हुआ है ठीक है तो ये बहुत सिंपल एंड कॉमन मेथड है जिससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ डिटरमाइन करते हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे एच पॉजिटिव का देखिए यहां पे ए पे बाउंड्री होगा बिफोर इलेक्ट्रोलिस करंट पास करेंगे बाउंड्री मूव करेगा ए से बी पे तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर ये मूव किया है वो एल हो गया एल हम आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता होगा तो ए यहाँ से कैलकुलेट हो गया कंसंट्रेशन ग्राम इक्वलन में हमें जब एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा वो भी हमें पता होगा ए और सी पता होगा एक इलेक्ट्रोलिस के बाद हम यहाँ से क्या मेजर कर सकते हैं कितना लेंथ ये बाउंड्री क्या हुआ है मूव हुआ है और ये बाउंड्री मूव ए से बी जाने में कितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ है वो हम किस से कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर से किलोमीटर को यूज़ करके हम यहाँ से किलोमीटर को यूज़ करके टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं एल यहाँ से आ गया बाउंड्री कितना मूव हो गया किलोमीटर से किलोमीटर से क्यू आ गया यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हुआ है ठीक है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है कंसंट्रेशन रिएक्शन शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले पता है और कितना बाउंड्री मूव हुआ है वो एल हमें यहाँ से पता चल जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच पॉजिटिव किसके बराबर हो जाएगा कितना ये लेंथ मूव किया है ठीक है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ट्यूब का जो एरिया होगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय थाउजेंड इनटू क्यू यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो हुआ है इस एक्सपेरिमेंट से हम आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम कहते हैं मूविंग बाउंड्री मेथड थैंक यू वेरी मच सी यू इन नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोलिटिक्स है yeah.